नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे, इस वायरस में क्राउन की तरह प्रोटीन स्पाइक्स बाहर निकले होते हैं और लैटिन में क्राउन का मतलब कोरोना होता है। इस प्रकार इस वायरस को कोरोना वायरस का नाम मिला। दोस्तों, इस वायरस की शुरुआत चाइना के वुहान शहर से हुई और आज की तारीख में ये वायरस 90 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। पूरी दुनिया में अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। दुख की बात यह है, अब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो अभी इस बीमारी की दवाई बनने में कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा। इस वायरस के कण हवा में एक इंसान से दूसरे इंसान तक खांसी या छींक से फैलते हैं। इस वायरस के कण भारी होते हैं, इसलिए 1 मीटर के बाद ये सतह पर बैठ जाते हैं और वहाँ से हमारे हाथों के द्वारा ये हमारे आँखों से, नाक से और मुँह से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इससे बचाव के लिए हमें भीड़ वाली जगह पर मास्क पहनना चाहिए और सैनिटाइजर या अल्कोहल बेस्ड साबुन से हमें बार बार अपना हाथ धोते रहना चाहिए। इस बीमारी के सिम्टम्स बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, सर दर्द, छाती में दर्द या मांसपेशियों में दर्द होता है। कुछ केसेस में मरीज को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसके बजाय उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उल्टी या डायरिया। ये वायरस हमारे लंग्स में सेल्स को डैमेज कर देता है और हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।